जी हेलो। जी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। ज्ञान आईएएस आज का सेशन था आपका क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास कहाँ की थी? पुरस्कार की। आज भी हम कुछ बचे हुए पुरस्कार पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया भाई? ऑप्शन ए है पेरे एगोस्टनी, बी है फेरेंग क्रॉन्स, सी है एनियल भूलियर, और डी ऑप्शन है आपका क्या? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताएगा कोई? जी भौतिक विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? उपयुक्त सभी, पेरे फेरेंक और एनियल भूलियर ने। तीनों ने क्या करा? प्राप्त किया। बात करें किसकी? नोबेल पुरस्कार। शुरुआत कब हुई? जी कब हुई शुरुआत नोबेल प्राइज की? 1901। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? 1901 में। जी किसने करी? एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल ने। कहाँ के थे? स्वीडन के। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। उन्होंने क्या करा? अपने मरने से पहले सारी वसीयत, लगभग 1895 में, 1895 में सारी वसीयत में क्या लिख दिया? कि जो भी किसी क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करेगा उसको क्या होगा? मेरी वसीयत की कमाई, मेरी वसीयत की जो कमाई होगी उसमें से क्या मिलेगा? उसे प्राइज। जी कौन थे एल्फ्रेड नोबल बताएगा कोई? ये एक वैज्ञानिक थे, एक एल्फ्रेड नोबल कौन थे? वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किसकी की? डायनामाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है क्या? एल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की? डायनामाइट की। ये क्या है डायनामाइट? एक विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक पदार्थ। जी क्यों दिया जाता है भाई? बात करें, नोट कर लिया। कोई बताएगा नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है?
जी किसी विशेष क्षेत्र में। विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उत्कृष्ट योगदान के लिए। नोबेल प्राइज दिया जाता है कब? किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। विशेष क्षेत्र कौन सा? छह विशेष क्षेत्र हैं आपके। कौन से? नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 है आपका विज्ञान के क्षेत्र में, सॉरी चिकित्सा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान, चौथा है आपका साहित्य, और पांचवा है आपका शांति, और छठा है आपका क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। छह छह क्षेत्रों में क्या दिया जाता है? नोबल प्राइज। जी पहले कितने में दिया जाता था? 5 में, 1969 से क्या अर्थशास्त्र में भी नोबल प्राइज दिया जाने लगा। नोट कर लेना, 1969 से अर्थशास्त्र में भी क्या दिया जाने लगा? नोबल प्राइज। कब दिया जाता है भाई? इसकी डेट भी क्या है? फिक्स। कब दिया जाता है? बताएगा कोई? जी नोबल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर। 10 10 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर? अल्फ्रेड नोबल की। साथ साथ नोट करते चलेंगे अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि। जी नोट कर लिया। नेक्स्ट रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 3 लोगों को किया गया। 3 लोग कौन है ये? ठीक है, आपका ऑप्शन क्या ठीक होगा? डी मोगी जी बाविंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी फर्स्ट एकीमोव। ये कहाँ के हैं? रूस के। तीनों लोगों को क्या दिया गया? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 में। जी नेक्स्ट
चिकित्सा का नोबल प्राइज 2023 किसने जीता? ए ऑप्शन है आपका डूविस्मैन अमेरिका, बी है आपका कैटालिन कारियो, सी है वेनेसा नाकाटे। सी है आपका क्या? वेनेसा नाकाटे। दो लोगों को दिया गया, कौन कौन? ए और बी, डूविस्मैन को और कैटालिन कारिको को। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? डूविस्मैन और कैटालिन कारिको। जी नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? 6 क्षेत्रों में, ठीक है। उसमें से चिकित्सा क्षेत्र में कौन प्रदान करता है भाई? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कहाँ का? स्वीडन का। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का, वो कहे में प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसी तरह आपके 5 और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये कहे में प्रदान करता है? भौतिकी में। नंबर 1 भौतिकी, नंबर 2 रसायन, नंबर 1 भौतिकी और नंबर 2 रसायन। और आपकी स्वीडिश अकादमी किसमें, किस क्षेत्र में प्रदान करती है भाई? साहित्य के क्षेत्र। स्वीडिश अकादमी साहित्य के क्षेत्र में, और द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी रसायन, और नंबर 3 होगा अर्थशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट रह गया आपका क्या? शांति पुरस्कार। कोई बताएगा शांति पुरस्कार कौन देता है? 5 क्षेत्रों में पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन। 5 क्षेत्रों में पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरस्कार कौन देगा? नॉर्वे। और वो कौन सा है? शांति। एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरस्कार कौन देगा? नॉर्वे। जिसमें कौन देगा? नॉर्वे। और नॉर्वे में भी कौन? नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति। बात करें नोबेल पुरस्कार में मिलता क्या है, कितनी राशि मिलती है और क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोई बताएगा क्या मिलता है? लग 11
लगभग 11 क्रोना, लगभग 11 स्वीडिश क्रोना। स्वीडन की मुद्रा है क्या? स्वीडिश क्रोना। यह आपका रुपए में हो गया लगभग 8 करोड़। रुपए में हो गया क्या? लगभग 8 करोड़। इसके साथ में आपको एक डिप्लोमा और स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और स्वर्ण पदक। जी नेक्स्ट, तीन क्षेत्र में पढ़ लिया, कोई बताएगा शांति में किसे मिला 2023 का? शांति में 2023 का, जी 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जी कमेंट करके बताइए। दो हजार तेईस का शांति नोबेल पुरस्कार, बताएगा कोई? शांति नोबेल पुरस्कार 2023 मिला आपका नरगिस को, नरगिस कहाँ की? ईरान की। नरगिस में, नरगिस को मिला कहाँ की? ईरान की, जो क्या कर रही थी? ईरान में हो रहे महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। क्या नाम है? नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, नोट करें जी। जी सोनिया जी राइट है आपका आंसर, नरगिस मोहम्मदी। अर्थशास्त्र में बताएगा कोई? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में भाई क्लाउडिया गोल्डन, क्लाउडिया गोल्डन कहाँ के? यूएसए के। क्लाउडिया गोल्डन यूएसए के, जी नोट करें क्लाउडिया गोल्डन। और एक लास्ट बच चुका है आपका, कौन सा? साहित्य, साहित्य जी, बताएगा कोई? साहित्य में कैसे मिला 2023 का नोबेल पुरस्कार? साहित्य में जॉन ओलाओ फांस, जॉन ओलाओ फांस को,
ठीक है, कहाँ के हैं? नॉर्वे। कहाँ के हैं? नॉर्वे। जी नोट करें, नोट करें। हेलो जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? बात करें भारत में मिलने वाले नोबल पुरस्कार, भारत में किस किस को नोबल प्राइज मिला भाई? सबसे पहली बार, सर्वप्रथम किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम किसे नोबेल प्राइज मिला भारत में? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस सन में भाई? जी कोई बताएगा किस सन में? 1913। 1913 में क्या हुआ? रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला। किस क्षेत्र में? सभी को पता होगा, साहित्य। और किसके लिए? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए क्या मिला उन्हें? नोबेल प्राइज। कब? 1913 में। 1913 जी नोट करें। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिसे नोबेल प्राइज मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। जी भारत के तो पहले थे ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के भी पहले थे। अगर आपसे पूछ ले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिसे नोबेल प्राइज मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा? दो राष्ट्रों का क्या करा? राष्ट्र ज्ञान में।
दो राष्ट्रों के लिए क्या किया? राष्ट्रगान गाया। कोई बताएगा दो राष्ट्र कौन है? एक मैं बता देता हूं, भारत जनगणमन। दूसरे कौन है? जी जल्दी से बताइए, दूसरा कौन है? जी दूसरे हैं आपके कौन? बांग्लादेश। अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, ये कहाँ का राष्ट्रगान है भाई? बांग्लादेश का। जी सोनिया जी, शायद नहीं है ही बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला। अगर मैं बात करूं साहित्य में, नोबेल प्राइज किसी और को मिला भारत में? साहित्य में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कोई और थे? जी बताएगा कोई? V.S. नायपाल। V.S. नायपाल कब? 2001। V.S. नायपॉल को भी क्या मिला 2001 में? साहित्य का नोबेल प्राइज। मतलब क्या, दो व्यक्ति को साहित्य में नोबेल प्राइज मिल गया। V.S. नायपॉल किसके लिए? V.S. नायपाल को किसके लिए मिला? हाफ हाफ ऑफ लाइफ। हाफ ऑफ लाइफ, आधा जीवन। आधा जीवन किसके लिए? आधा जीवन के लिए। जी नोट करें। हाफ ऑफ लाइफ, जी सॉरी ऑफ नहीं है, ए लाइफ। हाफ ए लाइफ, ठीक करेक्ट कर ली। हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ। जी नोट कर लिया। अगर मैं बात करूं भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, जिसे क्या मिला? नोबेल प्राइज। कौन थी भाई? भारत की प्रथम महिला जिसे क्या मिला? नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा कहाँ की थी? मेसेडोनिया। मेसेडोनिया यूरोप। मूल निवासी कहाँ की थी?
मेसिडोनिया। मदर टेरेसा कहाँ की थी? मेसिडोनिया की। और आके कहाँ रहने लगी? भारत में। कब? लगभग 1947-48। 47-48 में कहाँ आके रहने लगी? भारत में। और भारत के कल्चर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट। भारत के कल्चर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। कब मिला भाई? 1979। मदर टेरेसा को कब मिला? 1979 में। और किस क्षेत्र में मिला? शांति। शांति के क्षेत्र में। कभी कभी पूछ लेता है शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ? भारत रत्न कोई बताएगा भारत रत्न कब मिला? जी 1980। जैसे ही भारत सरकार को दिखा क्या? नोबल पुरस्कार। तुरंत उसके एक साल अगले ही साल क्या दे दिया? भारत रत्न। किसको? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोट कर लिया। अगर मैं बात करूं विश्व में विश्व में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली महिला कौन है? विश्व में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? जी विश्व में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। और किस क्षेत्र में? नंबर एक भौतिकी और नंबर दो रसायन। रेडियो एक्टिविटी के लिए कहे मैं भौतिकी में और रसायन में
पोलिनियम एवं रेडियम की खोज के लिए। पोलिनियम और रेडियम की खोज के लिए पोलिनियम और रेडियम की खोज के लिए जी नोट करें। अगर मैं बात करूं शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, मदर टेरेसा। इसके बाद भी किसी को शांति पुरस्कार मिला भारत में, किसी भारतीय को? जी कोई बताएगा? कैलाश सत्यार्थ। कैलाश सत्यार्थ। कैलाश सत्यार्थी को भी क्या मिला, शांति में नोबेल पुरस्कार। कहाँ के थे? भारत के। कहाँ के थे भाई? भारत के। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। कभी कभी पूछ लेता है बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, कैलाश सत्यार्थी ने। और कब मिला इनको? 2014 में। किसके साथ? पाकिस्तान की महिला, कोई नाम बता दो जरा। पाकिस्तान की कौन सी महिला थी? जी सोनिया जी, साइंस में नहीं, कैलाश सत्यार्थी को मिला कहे में, शांति में, शांति पुरस्कार। मैडम क्यूरी को मिला था सोनिया जी भौतिकी और रसायन में, कैलाश सत्यार्थी को कहे में 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। किसके साथ मिलकर? पाकिस्तान की महिला। कौन थी? मलाला यूसुफ जई। मलाला यूसुफ जई के साथ, मलाला यूसुफ जई। कहाँ की थी ये? पाकिस्तान की। एक बात और नोट कर लो, सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति कौन था? मलाला यूसुफजई। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मलाला यूसुफजई, लगभग 17 साल की उम्र। कितने साल की उम्र में? लगभग 17 साल की उम्र में। इस उम्र में तुम्हारा इंस्टाग्राम ही नहीं खत्म हो रहा,
रील चल रही बराबर, और किसी ने क्या कर लिया, नोबल पुरस्कार प्राप्त। किसी ने क्या कर लिया, नोबल पुरस्कार प्राप्त। जी अगर बात करें शांति में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भाई, शांति में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, हेनरी ड्यूरेंट। ये इंपॉर्टेंट, हेनरी ड्यूरेंट, इनकी एक संस्था है क्या, रेड क्रॉस, नाम सुना होगा रेड क्रॉस, इनकी एक संस्था है कौन सी, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। ये क्या करती है, विश्व में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, कहीं भी युद्ध की स्थिति हो रही हो, वहां क्या करेगी, सैनिकों की चिकित्सा सेवा, सैनिकों के लिए क्या करेगी, चिकित्सा उपलब्ध। कहीं भी अगर युद्ध हो रहा हो वहां पे क्या करेगी, सैनिकों के लिए चिकित्सा उपलब्ध, कौन, रेड क्रॉस। किसने स्थापित करी, हेनरी ड्यूरेंट ने, कब जी, कब बताएगा कोई, कब करी भाई, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई, कब की गई भाई, 1863 में, कब, 8 मई, 8 मई, और इसी तारीख को आप क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। और एकमात्र ऐसी संस्था है कौन, रेड क्रॉस, जिसको तीन बार, एक बार नहीं, तीन बार शांति में नोबेल मिल चुका, तीन बार शांति में नोबेल मिल चुका किसको, रेड क्रॉस को।
हालांकि महात्मा गांधी जी को भी क्या करा, 5 बार नॉमिनेट। लेकिन क्या हुआ, उनको नहीं मिल पाया। 47-48 में मिलने वाला था, 48 में भी नॉमिनेट करा, लेकिन इनकी क्या होगी, हत्या। और तब तक कोई ऐसा नियम नहीं था मरणोपरांत का। मरने के बाद किसी को भी नोबल प्राइज नहीं मिलता था, तो इसलिए गांधी जी लास्ट बार भी क्या चूक गए। लेकिन 1974 से, कभी कभी पूछ लेता है, 1974 से मरणोपरांत भी क्या हुआ, नोबल पुरस्कार मिलने लगा 1974 से। जी नोट कर लिया। बात करें भौतिक में, भौतिकी में प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सभी को पता, रमन सिंह, सीवी रमन, सीवी रमन। भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सीवी रमन। कब, 1930 में, 1930 में भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सीवी रमन। और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सीवी रमन। सीवी रमन। सीवी रमन। अर्थशास्त्र में किसी को मिला, जी कोई बताएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कब, 1998 में। और इसके बाद किसने, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी ने, अभिजीत बनर्जी ने भी क्या करा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कब, 2019 में, 2019 में इन्होंने कल्याणकारी
अर्थशास्त्र के लिए, अमर्त्य सेन ने किस लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और अभिजीत बनर्जी ने वैश्विक वैश्विक गरीबी उन्मूलन, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए। हेलो, जी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह खुराना। हेलो, जी, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना किसके लिए? जेनेटिक कोड के लिए। जेनेटिक कोड की क्या करी व्याख्या किसने? हरगोविंद सिंह खुराना ने। हरगोविंद सिंह खुराना। कभी कभी पूछ लेता है हरगोविंद सिंह खुराना ने क्या किया, जेनेटिक कोड की व्याख्या। जेनेटिक कोड के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वेंकट रमन रामकृष्ण किसके लिए? राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम की संरचना के लिए। जी, नोट करें। राइबोसोम की संरचना के लिए
राइबोसोम की संरचना के लिए। जी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता? किसने जीता भाई? ए ऑप्शन है आपका क्या, टर्निंग रेड। बी है पिनोचियो। सी ऑप्शन है आपका मार्शल द सेल विद शूज ऑन। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है? जी वॉइस ठीक आ रही है? जी सोनिया जी, एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? राइट ऑप्शन है आपका पिनोचियो। ये देख रहे हैं आप क्या है, ये एनिमेटेड फिल्म पिनोचियो, पिनोचियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता? ये इंपोर्टेंट, किसने जीता भाई? ए ऑप्शन है आपका ओपन हिमर। डी, बी है आपका पुअर थिंग। सी रॉकेटरी। और डी ऑप्शन है आपका क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है आपका, ओपन हाइमर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ओपन हाइमर ने, ओपन हाइमर ने। रॉकेटरी सभी को पता है, 69वां, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म थीचर पुरस्कार। फिल्म थीचर पुरस्कार किस मूवी को दिया गया? रॉकेटरी को, रॉकेटरी को। और हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह को। जी नेक्स्ट, जी बात करें किसकी, ऑस्कर की, ऑस्कर की। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई? नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में। किसके लिए दिया जाता है? फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उत्कृष्ट योगदान के लिए, फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार। जी कब से दिया जा रहा? 1929 से, 1929 से। और फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर। ऑस्कर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर। जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? जी हेलो, ऑस्कर
कल यहीं से शुरू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? और रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।